क्या मौत इतनी करीब नहीं है? हमने अपनी आंखों के सामने लोगों को जुदा होते यूं नहीं देखा है? हम कहते हैं इसकी खबर सुना रहे हो मौत की, ये तो मैंने अभी सब्जी वाली दुकान पे देखा था। लेकिन जब मौत आती है तो एक लम्हे का तकद्दुम और ताखुर नहीं होता। तो साहेब आइए अपनी जिंदगी को अल्लाह उसके रसूल की राहों पर डालें। आज वक्त है, आज मौका है, आज तौबा का दरवाजा खुला है, कल सब कुछ नहीं होगा। आज उसकी रहमतें आवाज दे रही हैं, आज वक्त है। एक फकीर था मलंग दरवेश अल्लाह का बंदा, उसकी आदत ये थी कि अपने डेरे पे आने वालों को खिलाता, उनको पिलाता, उनकी जरूरियात का ख्याल रखता, लेकिन उनको माली आसूदियां नहीं थी। होता यह था कि बाज़कात लोग आते तो उधार ले करके वो लोगों को खिला देता। खैर, चूंकि फकीर का मिजाज ये होता है कि लोग आए उसके डेरे से खाएं, बाबा भुले शाह ने भी कहा था ना, इट खड़क के दुक्कड़ बजे, तत्ता होवे चुल्ला, आन फकीर खाखा जावण राजी होवे बुल्ला। ये फकीरों का मिजाज है, तो जो भी आता उसके डेरे से खाता और वो उधार उठा उठा के लोगों की जरूरियात को पूरा करते रहते। वक्त आखिर आ गया, जिन लोगों ने उधार दिया था वो सारे तकाजा करने आ गए। अब बाबा जी को क्या फिक्र लाहक है कि ये मेरे मेहमान और मैं इनको कुछ पेश करने की सलाहियत नहीं रखता। एक बच्चा था, वो कुछ सामान बेच रहा था, पतीसा बेच रहा था या कोई और चीज बेच रहा था। उसने गली से गुजरते हुए आवाज लगाई, खादिम को कहा से बुला के लाओ। कहा, तुम बेच रहे हो तो मेरे मेहमानों को खिला दो। बच्चा बड़ा खुश हुआ कि मैं सारा दिन गलियों में घूम के ये पतीसा बेचना था, अब ये एक जगह ही सारा फरोख्त हो गया तो ये तो मौज लग गई, मैं जल्दी घर चला जाऊंगा, मेरी माँ खुश होगी। तो सारा उन मेहमानों को खिला दिया गया और उसके बाद कहा, बाबा जी पैसे? कहा, तुम बैठ जाओ, जब इनको मिलेंगे तो तुझे भी मिल जाएंगे। वो बैठ गया, दो चार दस मिनट बैठा तो बच्चा था फिर खड़ा हो गया, बाबा जी पैसे? कहा, जब इनको मिलेंगे तो तुझे भी मिल जाएंगे। फिर आधा घंटा गुजरा तो फिर उसने कहा, बाबा जी पैसे? मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही है, हमारे घर का चूल्हा इसी से जलता है, मैं ये पैसे लेकर जाऊंगा और मेरी माँ कोई हंडिया खरीदेगी और हम शाम का घर का कोई सिलसिला करेंगे। कहा, बेटा जब इनको मिलेगा तो तुझे भी मिल जाएगा। बच्चे ने रोना शुरू कर दिया, यतीम बच्चा था, उसका सारा आसरा यही था, उसने रोना शुरू कर दिया। जब बच्चा रोया, अल्लाह की रहमत को जोश आया, कोई मुरीद नजराना लेके उन बुजुर्गों के पास आ गया और अशरफियों की भरी हुई थैली पेश की। वो इतने पैसे थे कि उस बच्चे को भी दिए, जितने लोग आए थे सबका कर्ज चुकाया। कहा, जाओ घरों को। तो सबने कहा, बाबा जी हम सुबह से बैठे हुए थे तो ये नजराना देने वाला सुबह से नहीं आया तो अब कैसे आ गया? कहा, सुबह से तुम्हारे अंदर कोई रोने वाला नहीं था, एक रोने वाला आया तो बाकियों का भी काम बन गया। बाज़कात किसी एक शख्स की वजह से बाकियों की खताएं भी माफ होती हैं। आज हम इज्तिमाई तौर पे ताहद नजर अंदर बाहर ऊपर नीचे इतने लोगों के हुजूम में अल्लाह की बारगाह से ये तवक्को रखते हैं कि मालिक कितने हुजूम में कोई एक तो होगा जो तेरा लाडला होगा, कोई एक तो होगा जो तेरा बहुत करीबी होगा, कोई एक तो होगा जिस पे तेरी रहमतें बरसेंगी, तो मालिक उसके सदके से हमारी खताएं भी माफ कर दे, हमारे गुनाह भी माफ कर दे। कोई एक रोने वाली आंख मिल गई तो बाकियों का भी काम बन जाएगा। उठ फरीदा सुत्या ते मेला वेखण जा, वत कोई बख्शिया मिल जावे ते तू ही बख्शिया जा। मेरे मालिक हम सब की खताएं माफ कर दे, हम सब से दरगुजर फरमा और हम सब के बातन को सुथराइयां दे दे, हमारे अंदर को पाकिजगियां दे दे। बहुत वक्त मैंने और आपने साहिब गुजार लिया, तेजी के साथ जिंदगी बीत रही है। मैं अगर अपने आप को देखूं तो मेरी जिंदगी कितनी बहारें काट चुकी है। अगर आप अपने आप को देखें, कोई 60 साल को, 20 साल को, 25 साल, जिंदगी तेजी के साथ गुजर रही है। बंदा जब सोचता है कि मैं 40 साल का हो गया हूं तो आगे मेरी जिंदगी अगर 30 साल भी हैं तो 30 साल तो काफी हैं, लेकिन वो पीछे अगर पलट के देखे तो 40 साल यूं गुजर गए जिस तरह चुटकी बजाई जाती है। जब चुटकी बजाने के वक्त में 40 साल गुजर गए महसूस होते हैं तो जो बाकी 30 साल अगर हुए भी, वो तो गुमान है मेरा, वो तो गुमान है आपका, हमें तो एक सांस का भी नहीं पता। पूछा गया, जिंदगी और मौत के बारे में क्या ख्याल है? कहा, फजर पड़ी है, पता नहीं जोहर पढ़ सकेंगे या कि नहीं। कहा, इतनी लंबी उम्मीदें लगाए बैठे हो? कहा, जोहर पड़ी है, पता नहीं असर पढ़ने का मौका नसीब होता है कि नहीं। कहा, यह भी तूले अमल है। एक बोला, असर पड़ी है, पता नहीं मगरब पढ़ सकेंगे या कि नहीं।
کسی نے کہا ایک رکعت پڑی ہے, پتہ نہیں دوسری رکعت بھی پڑھنا نصیب ہوتی ہے یا نہیں. کہا یہ سب تمہارے منہوں کی باتیں ہیں, میں تو کہتا ہوں ایک طرف سلام پھیرا ہے, پتہ نہیں دوسری طرف سلام بھی پھیرا ہے.